हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम अपलोड। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर जो आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसका जो है एग्जाम डेट आ चुका है BA LLB के लिए। ऐसा सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। साथ ही एक बच्चा कमेंट पहले भी किया हुआ था कि यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पे देगा, तो बच्चा पहले तो ये जानो कि सबसे पहले एग्जाम, पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि आपका ये एग्जाम कब होने वाला था। BA LLB का जो एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट वीक जो है उसके जुलाई में होने वाला था, जैसे कि यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था, ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है। तो आपका टेस्ट जो होता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई, लेकिन ये ऐसा डेट नहीं, आपका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्लोज हो चुका है। और बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जैसे रिलीज होगा आई विल अपलोड करूंगा वो वीडियो जहां पे बताऊंगा कैसे एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, ओके ना। अब यहां पे ये देखो कि आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला था, तो ये जो है एग्जाम लास्ट वीक में नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपको यहाँ पर नोटिस दे दिया गया कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है 6 अगस्त को होगा। तो भाई साहब, आप लोग तैयारी जिसका नहीं हुआ वो करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कीजिए आप PDF और पढ़िए जल्दी से, समय आपके पास बहुत कम है। आपके पास जो है 6 अगस्त जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम है। आपका एग्जाम सेंटर मैं बता दूँ कहाँ देगा इसका, तो एग्जाम सेंटर जो है आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता में ही देगा, कोई अदर स्टेट में नहीं होगा। जैसे कि क्लैट एग्जाम होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरह का आपका जो है एग्जाम डेट अपने ही स्टेट में होगा। तो ये जो है आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कलकत्ता में ही ऐसा होगा, ओके ना। और 6 तारीख आपका हो गया, तो इसी तरह समझ लीजिए कि अभी जो है आपके पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी क्लोज हो चुका है, और जो बच्चा नहीं फॉर्म भरे उसके लिए आप अपने नेक्स्ट ईयर, ओके ना। तो 6 तारीख को इसका होगा, और एग्जाम सेंटर में बता दिया कि वहाँ पे होगा, ये कलकत्ता में होगा। एक नोटिस और है, अगर यहाँ पर देख लेते, एक नोटिस क्या दिया गया है पे, ये नोटिस वही नोटिस जो कि मैं आप सबको बताया था, ओके ना। ये नोटिस जो है आपको देख लिया जाता है। एग्जाम का सिलेबस, जैसे कि सिलेबस देख लीजिए, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर। तो यहाँ पर ऐसा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश, जनरल करंट अफेयर, ये ज़्यादा इस पर नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख सकते हो कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल रीजनिंग पर आपका है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ना है ऐसा, और करंट अफेयर ज़्यादा आपको पढ़ना है ऐसा। तो फिर से एक बार PDF में शेयर कर दूंगा पे, इस बार जो है मैथ का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा ऐसा, तो आप इससे फ्री हो जाओ कि मैथ का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो अगर मैं कभी इस वीडियो में बोल दिया हूँ कि आपका मैथ का सिलेबस शेयर कर दिया हूँ, जिसमें पता चल रहा है कि आपको जो है मैथ आपको नहीं पढ़ना, तो याद रखिएगा मैथ आपको नहीं पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल रीजनिंग एंड करंट अफेयर ही आपको पढ़ना है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ओके ना बच्चे। तो अगर कोई वीडियो में बोल दिया होगा कि मैथ नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग चेक भी जरूर कर लेना एक बार, ओके ना। तो इस पर आपको स्पेशली इस पर फोकस करना है। तो अभी एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप समझ लीजिए कि इसका एग्जाम 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का एक एग्जाम होने वाला है। और ये कंप्यूटर बेस पहले था क्वेश्चन, लेकिन नया अपडेट यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपका जो नया अपडेट आया है कि ये जो है ये आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई दिया गया था, लेकिन अभी एग्जाम डेट जो है बता दिया हूँ मैं, देख लीजिए, आपको एग्जाम डेट जो है इसका बदल चुका है, 6 अगस्त आपका एग्जाम होगा, ओके ना। इस बात को याद रखना है। टाइम जो है आपका ये कितना से कितना बजे तक एग्जाम आपका होगा वो आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मौका मिलेगा, ओके ना। तो चलिए, इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्म करना था, ओके ना। और बाकी जैसे ही अपडेट कुछ नया आएगा तो आपको हमारे चैनल विजडम अपलोड को देखने को जरूर मिलेगा। मैं इसका PDF अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए इसका, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए। बाय बाय एवरीवन।